होती हैं सलीम शमशाद यूट्यूब चैनल। तो इस वक्त हम आए हैं जश्न बहार पे और मेरे पीछे फैमिली भी आ रही है, तो चले आपको दिखाते हैं नज़ारा यहाँ का। आज आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा माहौल बड़ा है और इतने ज़्यादा लोग आए हैं इस वक्त। तो अभी आपको बहुत सी चीज़ें देख रही है जो मैं दिखाने वाली हूँ आपको। ये देख सकते हैं बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है यहाँ पे, कपड़े और कपड़े जूते खाने पीने का सामान भी यहीं पे है। और इस वक्त हम लोग बहुत अच्छी जगह पे आए हैं। तो नाज़रीन अब हम आए हैं ये एक शॉप पे और ये निशाने सिखाते हैं। अंकल जी कितने के ये? ये बेटा 20 रुपीज़ का एक फायर है, 100 के 6 फायर है। ये ट्रेनिंग होती है बच्चों की इस गन के साथ, ठीक है, स्नैपर शूट है। यानी गन को पकड़ें, एम करें कंधे के साथ, यह आप पूरा यहाँ पर लेकर आओ, ये वाला ऐसे एम पूरा करो, यहाँ से टारगेट एक आइस बंद करो, एक आइस से दूरबीन के अंदर गुब्बारे को टारगेट करो, फिर एम करो, फायर करो, उठाओ मजबूत पकड़ो कान को, शूट करो, टारगेट करो, फायर, वेरी गुड, जबरदस्त। इसी तरह टारगेट करना बेटा, इसी तरह एम करो, मुंह साफ रखो कान के, शूट, वेरी गुड, टारगेट करें, एम करें, पूरा मुंह साफ करें गन के, फायर, वेरी गुड। तो गाइस मैंने जैसे कि शूट किया तो इसको कहते हैं गन शूट, और मतलब मैं तो डर ही गई थी उससे होना नहीं, पर मैंने सारे किया, मुझे एक 3 भी मिल चुका है। तो चले अब किसी से गुफ्तगू करते हैं। ये कितनी तादाद में बिक जाते हैं? ये हमारे पर्स हैं जी, ये सारा हमारे हाथ का काम बना हुआ है, कम से कम हमारे 40-50 पीस रोजाना निकल जाते हैं, बिक जाते हैं। और ये बहुत प्यारी है जी, ये बहुत टोपी हमारी बिकती भी है, हम इनके ऊपर ये 500 रुपए की बेचते हैं। ये आपने खुद बनाई है? ये खुद हम तैयार कर रहे हैं, और जो और ये भी हम खुद तैयार कर रहे हैं, और वो जो लकड़ी का काम है हम खुद ही किया, वो भी खुद तैयार करते हैं, सब कुछ खुद किया, खुद तैयार किया हुआ है हमारा हाथ का काम है सारा, जितना भी काम होता है ये हमारा हाथ का होता है, हैंडवर्क होता है। तो मतलब ये सारे बिक जाते हैं? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिक जाते हैं, बहुत अच्छे लॉल वाले बहुत अच्छे हैं। ये पीस है हमारा, ये शो पीस होता है ये हमारा टेबलों के ऊपर बिछाने के लिए। हाँ, ये हमारा जो ये गदर है कुशन है 2,2500 रुपये के, और ये जो मैक्स, ये मैक्स हमारे जो है ये 2,000 के, 2,000 का एक पीस है, दो है या एक है? एक पीस 2,000 का। हाँ जी, ये को ये भी 2,000 का देते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं खाने के स्टॉल पे। ये अच्छे मक्के की रोटी और सरसों का साग भी है। तो अब अगले स्टॉल पे चलते हैं। तो अभी मैं आपको ऐसा स्टॉल दिखाने वाली हूँ जहाँ पे मिलती है मक्के की रोटी और सरसों का साग। तो मैं इनसे पूछूंगी कि ये कैसे आटा गूंथती हैं और कैसे बनाती हैं ये मक्के की रोटी। रुको जी जी, बोले बेटा ये बेटा खालिस मक्के की रोटी है, हम इसे पानी के साथ और नमक के साथ बनाते हैं, गूंथते हैं। तो इसको आटा कैसे गूंथते? पानी के साथ नमक डाल के। और कितनी देर लग जाती है? कोई 5 मिनट में ये बन जाता है, आटा भी 5 मिनट में बन जाता है, रोटी भी बन जाती है। ये साग है, तो देखेंगे इतना अच्छे मक्के की रोटी।
आइए नाजरीन, अब आपको एक खाने के स्टॉल पे लेके चलते हैं। तो इनके पास मिलती है बिरयानी। और ये कितने दिनों से स्टॉल लगा रहे हैं इनसे पूछते हैं। जी अंकल, हम 5-6 हफ्ता हो गया हमें स्टॉल लगाए और काफ़ी अच्छा जा रहा स्टॉल हमारा। हमारे पास बिरयानी है, हमारे पास 3 डिशें हैं मेरे पास। हमारे पास बिरयानी है, चने है, कोरमा है, नान है। तो इनके पास डिश है कोरमा, नान, चने और बिरयानी भी है इनके पास। और अब इनसे पूछते हैं कि इधर रश लगता है कि नहीं। जी इधर ना ज़्यादा शाम को रश लगता है, ठीक है। अभी काम नॉर्मल है तो शाम को इंशाल्लाह ताला आप चक्कर लगाएं ज़रूर, तो काफ़ी ज़्यादा रश होगा। मतलब रश सुबह नहीं लगता, शाम को ज़्यादा लगता है।